नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू में 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए सरकार द्वारा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और शासन प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों को समझा रहे हैं, साथ ही सामाजिक संस्थाएं भी इससे योगदान दे रही है। उसी के तहत आज बॉलीवुड कलाकार अंजू जाधव महू पहुंची और लोगों को वैक्सीनेशन की समझाइश दी और कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। जिन्होंने महू में बनी फिल्म दिल लगता नहीं मेरा में भी काम किया है। आपको बता दें कि कलाकार अंजू जाधव महू की रहने वाली है और उन्होंने महू में बनी फिल्म दिल लगता नहीं मेरा में भी काम किया है। इस फिल्म में मेन किरदार निभाने वाली कलाकार अंजू जाधव ने बताया कि महू में बनी फिल्म में महू और आसपास के कलाकारों ने उनके साथ काम किया था। वहीं उन्होंने चर्चा में अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और अपने परिवार को दिया। इधर वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने लोगों को समझाया कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाए और स्वयं को सुरक्षित रखे, क्योंकि तीसरी लहर भी आने की संभावना है जिससे हमें सिर्फ वैक्सीनेशन ही बचा सकता है। बादले की दुनिया ये ऐसा शो है जो एक सोशल मैसेज देता है। आप देखेंगे उसके हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मैसेज छुपा होता है, फैमिली से रिलेटेड, सोशल इशू से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। और ये कॉमेडी शो है। क्या होता है कि जब कॉमेडी के साथ हम चीज़ें देखते हैं तो इंटरटेनमेंट भी हो जाता है और मैसेज भी पहुँच जाता है सब। तो वागले की दुनिया एक ऐसा शो है जो आपको एक मैसेज देगा। तो ये वो फैमिली ड्रामा या सास बहू वाला ड्रामा वाला शो बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी देखेंगे आपका मूड फ्रेश रहेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को। सीरियल आजकल जो चल रहे हैं, जो घर के अंदर झगड़े बता रहे हैं, महिला ही कुछ होता है, उसके बारे में आपका क्या? जी वो तो सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए है कि उससे कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहता इंडस्ट्री, मतलब जो भी इंडस्ट्री में जो भी शोज़ बनते हैं बाहर, वो लोगों को कुछ गलत नहीं बताते। बस ये है कि वो एक एंटरटेनमेंट है कि लोगों को अच्छा लगता है। जो हमारी घर में जो मम्मी दादी नानी ये लोग ये ज़्यादा शोज़ देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। स्पेशली कोई भी एक कहानी चल रही है, वो कपड़े देखते हैं, वो ज्वेलरीज देखते हैं जो लेडीज़ पहन रही हैं। तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए ही सास बहू वाले शोज होते हैं। कुछ शोज में ऐसा नहीं लगता कि हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं। ये तो देखो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज से होता है। अगर आप उसे अपने निजी लाइफ में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम टीवी क्यों देखते हैं? हम इसीलिए देखते हैं कि हमारा मूड फ्रेश हो, हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट मिले, थोड़ा जो नॉर्मल लाइफ है उसे हम थोड़ा हट के कुछ देखें या हमारा हमें अच्छा लगे। बस ऐसे ही कोई वो नेगेटिव फीलिंग्स नहीं देता वो शोज़। मतलब आप अपने अपने ऊपर ना लीजिए उन कहानियों को, ऐसा होता नहीं है। आपके सीरियल के अंदर वो इसलिए बोलता है क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल के बच्चे बहुत कैजुअली अपने माँ बाप से सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो अपनी बहन से ही कहूँगी कि एक हमारा। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।